नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पति की उम्र लंबी हो तो इस करवा चौथ में इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना या फिर आपके पति की जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो करवा चौथ यानी कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और साथ ही साथ इससे लंबी उम्र और पूर्ण आयु की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए करवा चौथ में शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश तथा चंद्रमा जी का पूजन करना चाहिए और चांद्रोग्य के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल उड़द की दाल सुहाग की सामग्री रखकर सास या साग के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए तथा सुहागिन या पवित्रता स्त्री के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोई व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं और यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप में रखा जाता है। भले ही इन मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है लेकिन सार सभी का एक ही होता है, पति की दीर्घ आयु। और जानकारों के मुताबिक महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और दूसरी और बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आ पड़े थे। इसीलिए द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछती हैं और वह श्री कृष्ण जी उन्हें बताते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करेंगी तो इनके सभी कष्टों से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी तथा द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती हैं जिससे कि उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने भी आ जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ करवा चौथ व्रत पर्व के पूजा विधि या सामग्री आपको जो इस्तेमाल करनी करवा चौथ में वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री। तो आपको लेना है सबसे पहले कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी की टोटादर, करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा और हल्दी, पानी का लोटा और गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी और आठ पूरियां की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। तो चलिए ये तो बात हो गई सामग्री की, अब मैं आपको बता देती हूँ करवा चौथ की पूजन विधि। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प ले और व्रत आरंभ करें। इसके बाद दूसरा आपको करना है वो है व्रत के दिन निर्जला रहें यानी कि जलपान ना करें। तीसरा, व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। तो इसके बाद आपको एक मंत्र का भी जाप करना है, वह यह है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको पांचवा काम जो करना है वो है घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसें, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। उसके बाद छठवां काम जो आपको करना है वो है शाम के समय माँ पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री कृष्ण का को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसार पर बैठाएं। सातवां, माँ पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। आठवां, भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और कोरे कब्रे में पानी भरकर पूजा करें। अगला, सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन इस व्रत को व्रत की कथा में श्रवण करें। नौवा, सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। दसवा, पति सास ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। तो ये थी आपकी पूजा विधि। तो
आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।